पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। तो कहानी खत्म होती है जापान में, लेकिन इंडिया में आधे चूतिए कार्टून बोलेंगे इसलिए लाइव एक्शन बनाया, एनीमे नहीं। लेकिन अब तुम पूछोगे कि कहानी खत्म कैसे हो गई जब वीडियो ही अभी शुरू हुई है। तो बेटा ऐसा है कि कहानी खत्म करी इस जापानी गिटार ने, क्योंकि ये बना लाल चंदन की लड़की से, लकड़ी से जो यहाँ पहुंची तैर के चाइना से, और चाइना में पहुंची मद्रास से, और मद्रास तक लेके आए ट्रक, और इस ट्रक में भरी मजदूरों ने, और मजदूर खड़े थे शेषाचलम के जंगल में। एंड दैट्स व्हाट दिस इज ऑल अबाउट, एके मजदूरी। अबे तस्करी था यार। ओह यस सॉरी, एके तस्करी, क्योंकि शेषाचलम के जंगल में चल रही है एक हाई स्पीड ऑफ रोड ट्रक चेस जिसमें भरे हैं सेब। बट आई श्योर अबाउट दैट, तो थक हार के ड्राइवर ने रोकी अपनी हैवी ड्राइविंग, उड़ाया एक पांडु को गुड़िया की तरह, और ट्रक से निकला टेढ़े खत्ते वाला अल्लू अर्जुन और बोला 150 रुपया देगा। लेकिन आजकल महंगाई बढ़ गई है यार, 500 से नीचे कोई दरोगा नहीं मानता। तो मांडवली के नाम पे इसने पांडवों को छेता, अच्छे से छेता, मतलब मां चोटी। और जब न्यूटन की आत्मा को थोड़ा सा सता के एक दो की हड्डियां तोड़ के जी भर गया था तो बोला 1 का 150 यानी कि 2 का 300 ना। Some time later. अपुन 150 रुपया पर हेड देगा ना सेठ। And well. But. कुछ तो मिसिंग लग रहा है ना? Context. I know. तो डायरेक्टर बोला flashback time. तो 1 साल पहले ये लड़की के कार का, ओह लकड़ी लकड़ी के कारखाने में स्ट्रगलिंग अल्लू कर रहा है काम, और काम के साथ थोड़ा आराम क्योंकि रिसेस है यार। लेकिन इसके आराम को देख के मालिक का हुआ कूला लाल, बट ब्रो अल्लू तो अल्लू है ब्रो, अब सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो या स्ट्रगलिंग मजदूर, वट दिखाना पड़ेगा ना, वरना अपने कैरेक्टर के नाम पे मूवी का नाम रखने का पॉइंट क्या रह जाएगा। तो छोड़ दी नौकरी, और इससे इम्प्रेस होके मालिक के पर्सनल नौकर ने भी छोड़ दिया काम और बन गया इसका साइड किक। अबे तुझे किस बात का घमंड है भाई? नहीं मतलब माना बेटर वर्क लाइफ चाहिए, लेकिन ये कैसा डिसीजन हुआ है? मंजे घर बार नौकरी पैसा सब गया भाड़ में, वट ज्यादा जरूरी है, लेकिन वट भी आखिर वट है ना, एटीएम तो है नहीं जो वट घुमाया और पैसा हाथ में। तो घर पे आया एक लाला वसूली करने, बट सिंस पैसा नहीं है तो 10 गाली देके निकल गया। तो स्ट्रगलिंग अल्लू ने बेची अपनी भैंस, मारा पैसा इसके मुंह पे और बोला ए लड़िया, कल सबके सामने बहुत जुबान चल रहा था तेरा, चल अभी तारीफ कर। एंड बूम, लगाए 4 चमाट, घसीटा पूरे गांव में, करवाई तारीफ, लेकिन गांव वाले चिल कर रहे हैं और देख रहे हैं जैसे इनके लिए ये रोज की बात है। मित्रों डोंट टेक एनी नोट्स, ठीक है, तुम करने जाओगे पुलिस के डंडे खाओगे। बट एनीवे, अब रोज बेचने के लिए भैंस तो है नहीं, तो निकले भाई साहब नया काम ढूंढने, लेकिन अंडर पे होके परेशान फॉर अ चेंज, आज गए ज्यादा पे वाले काम में, लेकिन वो काम है गैर कानूनी। एंड सरप्राइज सरप्राइज, काम है लाल चंदन की लकड़ियां काटने का, कि तभी दरोगा इन द हाउस, लेकिन लकड़ियां गायब है और मजदूर सारे अटैक मोड में। तो छोटे दरोगा बोले चल अभी ढील दे, बाद में काटते हैं, और सारे के सारे निकल लिए वापस घर के लिए खाली हाथ। अरे यार तुम लोग लिटरली नीचे से आ रहे थे, नीचे से, ठीक है, तो ऊपर तो देख ही रहे होगे ना, तुम लोग को लकड़ियां नहीं दिखी? ना, नेवर नेवर। चलो नहीं दिखी होंगी, क्या बोल सकते हैं। तो बस इसी बात पे सारे मजदूरों का वेल कोरियोग्राफ डांस शुरू। और गाना खत्म होते होते ये सारे पहुंचे अपनी अपनी लकड़ियां लेके सेठ जी के पास, बट देन वंस अगेन दरोगा रिटर्न एंड दिस टाइम विद बैकअप। तो स्ट्रगलिंग अल्लू ट्रक लेके भागा और लकड़ियां कर दी गायब, ट्रक समेत साबुत की साबुत ब्रो, आला जावे। लेकिन कब तक बचेगा? तो कर लिया अरेस्ट और ठुकाई शुरू। एंड देन अगेन, ये हीरो है ब्रो, तो जो ये तेरा टॉर्चर है वो मेरा मोहम्मद है। लेकिन दरोगाओं के भी अपने पैतरे होते हैं भाई, तो दूसरा दरोगा आके पूछता है इससे इसके पिताजी का नाम। तो पुष्पा बोला बैकअप बैकअप पिक्चर बंद, लेकिन डायरेक्टर बोला फ्लैशबैक टाइम। तो ये याद करता है कि कैसे जब छोटा अल्लू स्कूल गया और उसने अपना पूरा नाम बताया तो इसका ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, लाइक लिटरली ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, उसने आके इसको डराया धमकाया और बोला तेरा कोई बाप नहीं है, तू ना जायज है ना जायज। बाबू भाई से बदतमीजी मत करियो। एंड अ फ्लैशबैक। वेल सैडनेस प्रिवेल्स। तुम्हार पीट के पुलिस वाले इसको खाना खिलाने लाते हैं, तो एंट्री होती है रेड्डी ब्रदर्स की। सबसे पहले ये छोटा रेड्डी, ये साला अल्ट्रा चमड़ी है भाई, मतलब गांव में शादी किसी की भी हो उसकी बीवी के साथ सबसे पहले यही करता है। क्या निहायती घिनौनी चूतिया फेटिश है।
चमड़ी साला। फिर ये दूसरा भाई बीच का रेड्डी, ये सबसे समझदार है, तो सारे बिजनेस का लिखत पढ़त यहीज करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरा और सबसे बड़ा भाई बड़ा रेड्डी, ये ऐसा चूतिया है कि लोकल गैंग वॉर में जीतने के लिए सुसाइड बॉम्बर बन गया। तो ओह यस यस, हाथ हाथ, ये खुद तो फटा नहीं, बस हाथ कट गया, और तब से कोंडा रेड्डी बन गया कोंडा विंटर सोल्जर। एंड सिंस इस यूनिवर्स में वकांडा एग्जिस्ट नहीं करता, तो वाइब्रेनियम भी नहीं मिला, तो अफसोस, सब कुछ एक ही हाथ से करना पड़ता है। अबे ये अगर एक हाथ से डब्बा पकड़ता होगा तो दूसरा हाथ को लगाता होगा। वो वेट अ मिनट, लेकिन ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ? व्हाट द फक डूड, साला ये प्यार का देवता देख के दिमाग हिल गया लगता है। Never mind guys, never mind. तो back to the story. Reddy Brothers से कराता है अपनी बेल और लेके जाता है ट्रक दिखाने जो इसने कुएं में डाल दिया था, और बदले में लेता है 5,00,000 रुपया नकद। Thank God यहाँ एक कुआ था, वरना डीजल खत्म होने तक ट्रक भगाते रहना पड़ता ब्रो। But anyway, तो काम होने के बाद छोटे रेड्डी ने पुष्पा को अपनी वैन में बैठने से मना कर दिया, तो इसका ईगो हो गया हर्ट। एंड सिंस पुष्पा का ईगो इज हायर देन दिस मूवीज टोटल कलेक्शन, तो ये बोला पैसे क्या चीज है, हाथ की महल है। और अभी जस्ट मिले 5,00,000 रुपए से सबसे पहले जाके खरीद ली नेशनल किडनैपिंग वैन। बताओ कैसा फाइनेंशियल डिसीजन है भाई ये, बट हु केयर्स, हु केयर्स। फिर अगले दिन इसे बुलावा आता है कोंडा विंटर सोल्जर के घर से, जहाँ चल रही है दूसरे ट्रक ड्राइवर्स की छुपाई, क्योंकि सारा माल पकड़ा गया यार। तो 5,00,000 के लॉस वाला अल्लू बोला, अरे ये सब चिल्लर लोग है सेठ, असली 2,000 का नोट तो मैं है, मेरा नाम पुष्पा, फिल्म का नाम पुष्पा, तुम खाली मेरा सुनने का क्या, मैं रेल बना दूंगा रेल। तो 5,00,000 के लॉस वाले अल्लू ने दिया तस्करी का आइडिया और काम शुरू। बोले तो दुद्दू के टैंकर को आधा करके नीचे भरा लाल चंदन और ऊपर भरा दुद्दू, एंड बूम दरोगा सारे बुद्धू। तो इस आइडिया के आने से इनका बिजनेस रातों रात चांद पे, मतलब 2 दिन में लोकल अंबानी। लेकिन अब इतना पैसा और इतना मेहनत लगा के पिक्चर बनाई है, तो थोड़ा सा लव एंगल भी देना पड़ेगा ना, क्योंकि एक तेरा प्यार बाकी दुनिया बेकार तो गया ये लोकल बाजार जहाँ इसको दिखी, जिसके पीछे सारा सोशल मीडिया अभी तक पगलाया हुआ है, मतलब पगलाया हुआ है, बस क्या बोले, कोई कुछ नहीं बोलेगा। बस लौंडिया देख के भैया जी बोले, हम तो उड़ गए। लेकिन गाना खत्म होते होते हुआ इस दरोगा को शक, व्हाट द फक, तो बजा के देखा इसने टैंकर। मारो उसको। लेकिन ब्रो दरोगा को ये नहीं चाहिए, दरोगा को हाथ मारना है बड़ी मछली पे, मंजे पुष्पा पे। तो इसने बना दिया इनको खबरी और भेज दिया अपने अपने काम पे। और इस तरफ एंट्री लिया मंगल श्रीनु, ये सब लोग लकड़ी काट के इसको देते हैं, और आगे का काम मंजे मद्रास से निकलने वाले शिप तक पहुँचाने का काम इसका। लेकिन इसके खास आदमी ने करी इससे हेरा फेरी, तो मार दिया और सारा माल छोड़ के गया कोंडा ब्रदर्स के पास। लेकिन छोटा रेड्डी ऐसा अल्ट्रा प्रो मैक्स चूतिया निहायती घिनौना चमड़ी है कि अपनी अय्याशी के चक्कर में सारा माल ऐसे का ऐसे छोड़ दिया, मतलब बिल्कुल खाली नहीं किया भाई। तभी खबर मिली कि दरोगा विद बैकअप इज ऑन द वे। तो मास्टरमाइंड अल्लू ने चलाया अपना तेज दिमाग और सारी लकड़ियों को नदी में बहा दिया। लेकिन इसका साइडकिक मोटरसाइकिल भगा के पहुंचा डैम पे, और डैम के कर्मचारी को पैसा पकड़ा के कराया डैम बंद और सारी लकड़ियां सेफ। Nothing is impossible. Just do it. क्या बात, मतलब राइटर को 21 तोपों की सलामी। तो भाई इतना माल बचाया लौंडे ने, तो पार्टी तो बनती है। तो पार्टी के नाम पे एक गाना शुरू, खुद 2 करोड़ में बेच के लोगों को 25,00,000 लपेट रहा है, कतई बोरी भर के पैसा ही पैसा भाई। तो मैन विद अ प्लान अल्लू गया कोंडा ब्रदर्स को खबर देने, लेकिन श्रीनु से तो सबकी फटती है। तो कोंडा विंटर सोल्जर बोला, कोई कुछ नहीं बोलेगा। Meanwhile, ये साइडकिक ने कर ली श्रीवल्ली के पिताजी से बातचीत। और बस अगले दिन पहुंचे स्टड अल्लू अपना पंडल लेके लड़की से रिश्ता पक्का करने। लेकिन इंसान के सर पे अच्छे से ज्यादा बुरा टाइम बन रहा है ब्रो। तो आया वहाँ पे इसका गांडू ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर और करी इसकी बेइज्जती, मतलब खूब दबा के। लेकिन माताजी ने दे दी अपनी कसम और बोली, पुष्पा प्लीज शट अप। लेकिन ये लीचड़ तो निहायत ही बेशरम है ब्रो। तो करी इसने घिनौनी बात और अनानु चढ़िया गुस्सा तो हुआ हाथ पैर का इस्तेमाल, लेकिन हाथापाई में गिर गई माताजी, तो लेके भागना पड़ा अस्पताल।
चाबी कहाँ है? तो हार्ट ब्रोकन अल्लू ने बचपन की बातें याद की कि कैसे उसके ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर ने उसके पिताजी के RIP होने के बाद इनकी बेइज्जती करी और घर बार सब छीन लिया और गांडू आदमी साला आज तक बकचोदी पेल रहा है। तो अब आ गई है बात इज्जत पे, तो अब तो बेटा फूड चेन के टॉप पे जाना ही पड़ेगा। तो गया ये मंगल श्रीनू के पास जहाँ पे ऑलरेडी काटा पीटी चालू है क्योंकि इस आदमी ने भी करी पैसे बढ़ाने की बात। अनुराधा तेरी बहन है। बाबू भैया ये अनुराधा का भाई नहीं है। ये अनुराधा का भाई नहीं है तो अनुराधा ही है। ये सारी पूछ लगा क्या चाहिए। तो पुष्पा भाऊ बोले, हे बाबा देख अभी अपुन को तो पता चल गया कि तू सबको एड़ा बना रहा है, तो 25 लाख का 1 करोड़ करने का, नहीं तो मैं जाता है सीधा मेन पार्टी के पास माल बेचने को। लेकिन लोगों को लगा कि फिल्म इसके नाम पे तो क्या हो गया, मजाक ही कर रहा होगा, और ये अंडर एस्टिमेशन पुष्पा भाऊ को अच्छा नहीं लगा। तो ये बोला, अब देख मैं सबका बैंड कैसे बजाता है देख। तो जब तक अल्लू द पुष्पा ये घोचू के ही फोन से मेन पार्टी से बात करके इस घोचू का पत्ता काटने में बिजी है, घोचू के आदमी ने किया अटैक। लेकिन अफसोस आदमी निकला चूतिया, लिटरली हाथ में बंदूक है और मार रहा उल्टा करके। तो ऑब्वियसली यार होना क्या था, बन गया पुष्पा द बैरी एलन एंड वेल, लेके अपना गोदी में आर पार देगा, मेरा बस्ती का लड़का लोग आड़ फाड़ देगा, तेरा जॉन्डिस को अच्छा से आड़ झाड़ देगा। रुक मुनेदार यन्ना रास्कला टू डाई। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं फायर के चिकन क्या रा रा गोस्ट, मजाक चल रहा है यहाँ पे, बीट दे रहा हूँ बेवकूफ। तो पुष्पा झुके या ना झुके, लेकिन अपुन को इधर रुकना पड़ेगा क्योंकि वीडियो हो गई है थोड़ी ज्यादा लंबी, which is why I had to divide it into 2 parts. So this was part 1. Part 2 भी जल्दी आएगा, so make sure कि तुम ये वीडियो अच्छे से देख लो, अच्छे से शेयर कर लो, अच्छे से इस पे व्यूज लाओ, अच्छे से इस पे कमेंट करो, so that मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले अगली वीडियो को थोड़ा और अच्छा बनाने का, ठीक है ना? मतलब पुष्पा के होंगे 2 पार्ट, मेरे हो जाएंगे 4 पार्ट, सही है? Sounds like business. लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, आई होप अच्छी लगी हो, क्योंकि मेहनत तो करी है यार। बट एनीवे, सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड रिमेंबर झुकने का नहीं, एक्सेप्ट फॉर व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक आउट, यू नो तब झुकना पड़ता है, लाइक सीरियसली, होप यू अंडरस्टैंड।